अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान बड़ी ट्रेड। PSL 9 में कराची किंग्स का कैप्टन कौन होगा और इस ट्रेड में कराची मुल्तान को कौन सा प्लेयर देगा और बदले में कौन सा खिलाड़ी उनसे लेगा, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान एक ट्रेड के हवाले से बातचीत चल रही है, जिसमें कराची मुल्तान सुल्तान्स को जेम्स विंस देकर उनसे शान मसूद लेना चाहते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कराची शान मसूद को क्यों लेना चाह रहा है और वो इतनी ज़िद क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। कराची किंग्स का जो फ्यूचर का माइंडसेट है वो ये है कि वो कराची किंग्स का कैप्टन शान मसूद को बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि शान मसूद आने वाले सीजन में कराची किंग्स की टीम की नुमाइंदगी करें। तो दोस्तों, यही वजह है कि कराची किंग शान मसूद को लेने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स को शान मसूद देने के लिए तैयार नहीं। तो दोस्तों, इस ट्रेड के हवाले से कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान बातचीत चल रही है। कराची जेम्स विंस देकर शान मसूद लेना चाहता है, तो इस हवाले से अभी कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन तौर पर कराची और मुल्तान के दरमियान ये डील डन हो जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस साल PSL के ड्राफ्ट में कौन से अपने बड़े फेवरेट खिलाड़ी को PSL के ड्राफ्ट में देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।